हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है भूगोल का चैप्टर यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चैप्टर जो है 27 है, जिसमें आज हम करेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन इंडिया यानी भारत जनसंख्या संगठन। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन इंडिया है तो ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कहते हैं ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए होता है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, लाइक यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, उन सभी के लिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हों, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनआईएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, शेड्यूल्स कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज अ कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइज अ नंबर ऑफ कास्ट एंड ट्राइबल्स ग्रुप्स एंड दिस कास्ट एंड ट्राइब्स आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट मींस एससी। The Shedule caste is the main to the SC and Shedule tribes is the ST. There's two groups divided here, SC and ST. Shedule caste and Shedule tribe. And respectively, there is the R major constituent. There is a population of India. According to the Census of India 2001, Shedule caste and Shedule tribe is a constituent of 16 and 8.2% respectively here. Their distribution is a very uneven throughout the country. That is the most important, but first important topic arrive here, a scheduled class. Let's see the scheduled class of detail come. The first tier scheduled caste. The scheduled caste is the most important here. Numerically, they have the largest concentration in the Uttar Pradesh, followed by the West Bengal and Bihar. Mizoram has the least of SC population in a 272% in the term of percentage almost are negligible. That is the most important here, Mizoram. Their list of SC population is only here 272% in the term of percentage is almost are negligible. The state of Nagaland, Indian Territories and is a Lakshadweep and Andaman Nicobar Island do not have any notified SC population. That is the most important point here. Lakshadweep and Andaman Nicobar Island do not have any notified SC population here. In terms of the proportion of the total population of a state, they are most numerous in the Punjab, where they account for more than 28.85% of its the totally population flow by the Himachal Pradesh. The Himachal Pradesh is the population here 24.7 here on SC caste, and the West Bengal is 23.3. The residual caste are by other large landless agriculture laborers there, and the cultivators with a small land and holding either a smaller moderate trees or pursues as artisan. Due to their associations with the agriculture activity, there is a main concentration are found in the alveolus and coastal plain of the country. That is why the major concentration are the found in the state like a Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar. On the other hand, the hill and the forested tract and the tribals is a belt of the center and the northern East India have only a small population of the scheduled caste. There is the most important here.
The analysis of district level pattern lead to the identification of the following three zone. Let's see the three zone here. The first zone is the most important here, area of high concentration. Areas of high concentration here first. There are two major areas with a high concentration of scheduled caste. Area of high concentration, there are two major areas with a high concentration of scheduled caste. They are the Indo-Ganga plan and the Eastern Coastal plan. Both these plans are endowed with their fertile soil. Fertile soil is equipped with water and supply of climate associated to be a cultivation of a large variety of crops. These opportunities help to be devolve a intensive agriculture which support a large population. That is the most important point, area of high concentration. And second here, area of medium concentration. The area of medium concentration here, the scheduled caste are moderately of concentration in the district adjoining the zone of high concentration with the high has already been a discussion above. And the next here, the area of low concentration. The area of low concentration of scheduled caste is there found to center Vidyas and Chota Nagpur region, the best dry region, and Rajasthan, the hilly track of the northern east and the coastal part of Karnataka and Maharashtra. Let's see the map. There is a most important map arrived here. There is a scheduled caste on the map. Come to the map. Here map of presentation of a scheduled caste of population 2001 and district. There is a most important on show in the screen. There is a scheduled caste population in this map. There is a most important 10 in the above. There is a show here a very important on their other, but mostly important here 25.0 and the above. There is a most important. And secondly is here a no scheduled caste in area. There is no scheduled caste area in there some part of India. There is show the white line. There is a white here only a Jammu Kashmir and some part of other. But the high of population of the scheduled caste here are generally a Punjab, Rajasthan and here of Uttar Pradesh, Bihar and Kolkata. There is a most important here on 25 years above the scheduled caste in the living in this area. There is a most important point here. And next here, scheduled tribe. Scheduled tribe is the most important point here. The tribal people have a number of distinctive or characteristics which set them apart from the rest of people. Generally, they live in the isolation in the forested and the hilly region, and they profess a very old religious belief here. The most of the groups are illiterate and do not have a script of their language. There is an important point here. Most of the groups are illiterate and do not have a script of their language. Most of them believe in a supernatural power and supernatural beings. There is the most important thing for scheduled tribes here. There is a belief only a supernatural power and supernatural beings here. There's an important point for the according to scheduled tribes here. The scheduled tribes are not informally distributed all over the country. There are the three main reasons which is the most of their population lives here. And these reasons are the first here, the Central India belt comprising part of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and West Bengal. But second year, the northern eastern region is comprising to hill area of Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura and Arunachal Pradesh. There is an important part. And third year, the southern region is comprising their hilly tracts of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Andaman and Nicobar Island. There is the most important state here. It is evident from the above discussion and also from the map that the tribe population of India is more concentrated in a few specific regions. It will be also be clear after a close study of map that most of the tribal people is living in the forested and hill region and the area of lower agriculture productivities here. The most this area is suffer from the natural difficulties like a rough
चेंज एंड क्लाइमेटिक डिफिकल्टीज एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑल दिस रीजन इज वेरी लो दैट इज रीजन इज वेरी लो हियर द नेचुरल रिसोर्स हैव नॉट बीन टू डिवेल्प इट इज अ मच एंड देर इज अ लिटल डिवेलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड दिस फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो लेवल ऑफ डिवेलपमेंट दिस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर Sometimes it is a thought that the level of economical development in an area of tribe's population is low because their area is inhabited by their tribal people. And this, however, is not true. This area is a far from a lower level of development partly due to the hospitable life is this region is difficult and therefore this area are occupied by the tribal people. That is important. In fact, the tribal people is originally did not be settled in this area of harsh environmental condition by their urban choose. They were rather is pushed by the expanding modern civilization into this area. Under the pressure of the successive is involved and the migrant, the earlier settlers of the country who could not be fight with the new powerful commerce and that to migrate into the remote is area to be save their cultural identify. In this map show there are Scheduled Tribes population of 2001. There is the most important Scheduled Tribe population of 2001 and district accordingly. Here show the most important graph here are no Scheduled Tribes is only white section. There's a white is Jammu Kashmir side only and here Chandigarh also. There is the most important here, Chandigarh, Haryana. There are no Scheduled Tribes here living, but the darkness is a 62 above a Scheduled Caste living in your side. There show on your screen, there is Jammu and Kashmir side and some part of your hill station side here. And other is Karnataka and the also show in this year Gujarat and Maharashtra. But Mizoram side, there are most important here, all Scheduled Tribes are living here because there is a forestry area. The forestry area, maximum Scheduled Tribes is living in this side. The Mizoram Andhra Pradesh side is a maximum tribal tribes population are living in this side. There are important point here. The next here, district level pattern. District level pattern is also important here. Like a Scheduled Caste, a district level analysis of Scheduled Tribes as revealed that is a there are different level of concentration and this level can be grouped into three category. There are area of high concentration and second area of medium concentration and third is the area of low concentration. There is a most important point here of three category: area of high concentration, area of medium concentration and area of low concentration. There is the most important point here. The first point arrive here, area of high concentration. What do you mean to the area of high concentration here? There are 40 districts in the country where Scheduled Tribes hold or dominate a position. There are 40 districts in the country where Scheduled Tribes hold or dominate a position. In these 40 districts, as a share of Scheduled Tribes population to total population range from 75.01% to be a 98.09%. Among them to the 8 districts are Mizoram, 7 each is the Nagaland and Meghalaya. 6 in Arunachal Pradesh and 5 is a Manipur and the rest of district 7 districts are the spread from a 4 state. The 4 state is the name here, Jammu and Kashmir, Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh also. As scholarships is a district of Mizoram have a highest concentration of tribe population in the country. There is the most important point, notable point here. Mizoram have a highest concentration of tribal population in the country is a 98.09%. The maximum of living in this area. And following the best is the Khasi Hills of Meghalaya having to 98.02% of tribal population. There is the most important point here, well, and the notable point also. The next year, area of the moderate concentration. The area of moderate concentration here. In this region, the share of tribes population is a various between 25.01% of 75.00% of total population.
एंड दिस इंक्लूड 85 डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू बी 17 स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ कंट्री एंड स्पेशली देयर इज अ मेजर कंपनी देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय देयर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ओडिशा. द 40 इज अ छत्तीसगढ़ and there is a 10 is a Jharkhand is a 9 and Arunachal Pradesh and Gujarat there are 7 for the each. That is the most important point. The third point is the most important area of low concentration. Area of low concentration here in this region to the proportion of tribal population various form here 5 to 25%. 5 to 25% is the most important, and this holds the highest number of 140 district in a country. 140 district in the country, and this district are distributed among to the 18 state union territory also. The production pattern of district is the this reasons is may be seen. Madhya Pradesh is 18, is a Maharashtra and Rajasthan is 17 each. Karnataka is 14, Assam is 13. Andhra Pradesh and West Bengal, Odisha is 10 each. Jharkhand is 8 and Jammu and Kashmir is 6 and Chhattisgarh is 5. Remaining are scattered in Gujarat and Sikkim, 3 each. Uttarakhand is 2. Manipur is Kerala and Daman Diu as Bihar, 1 each year. There is the most important area of low concentration on this area side. Apart from this, there are many of 143 districts spread over to the 18 state and the union territory where tribal population are found was a range varies between 0.5% to the 5% is the most important point here. कहते हैं अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का संगठन एवं वितरण. देखिए कहते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो है जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से ही बहस चल रही थी कि इनको संरक्षण दिया जाए, और बेखूबी इनको संरक्षित भी किया गया क्योंकि ये जो थे बहुत बिछड़े हुए थे, काफ़ी जो है इनके पास सुख सुविधाएँ नहीं थी और ये लोग जो थे मैक्सिमम जंगल में रहने वाले ही जीवन व्यतीत किया करते थे. इसलिए अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का जो है संगठन किस प्रकार हुआ और इसका वितरण किस प्रकार हुआ, तो इसके विषय में यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके हर एक पहलू पर जो है ध्यानपूर्वक जो है देखेंगे, प्लस मैप के अंतर्गत भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किन किन क्षेत्रों में जो है फैले हुए हैं. तो ये हमारे पास जो टॉपिक आया है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों का संगठन एवं वितरण. तो कहते हैं भारत का संविधान बहुत से जाति एवं जनजातियों के समूह को जो मान्यता प्रदान करता है, ठीक है, इसमें आप SC ST OBC कुछ भी हो सकता है, और ये क्रमांक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता है और ये दोनों भारत की जनसंख्या के प्रमुख घटक है, यानी ये भारत की जनसंख्या के प्रमुख पाठ है, इसको हम अलग नहीं कर सकते. ये दोनों जो है भारत की जनसंख्या के प्रमुख घटक के रूप में देखा जा सकता है. भारत की जनगणना के अनुसार 2001 के अनुसार जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या क्रमश 16% थे तथा 8.2% थे, यानी देखा जाए तो भारत में इनकी अनुसूचित जनजाति जो थी अनुसूचित जातियां 16% थी पूरे जो है भारत की जनसंख्या के अंतर्गत, और अनुसूचित जनजाति जो थी 8.2% थी पूरे देश में. इसका वितरण बहुत ही असामान्य और अनियमित है, तो इसी के बारे में हम अब विचार करने जा रहे हैं. इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे समक्ष जो है अनुसूचित जातियाँ हैं. तो चलिए देखते हैं अनुसूचित जातियाँ में क्या और विशेषताओं के तरफ जो है प्रकाश डाली गई है. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अनुसूचित जातियाँ, देखिए अनुसूचित जातियाँ यानी SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट. तो SC शेड्यूल कास्ट आखिर होती क्या है. कहते हैं जनसंख्यात्मक रूप से इनका सबसे अधिक संकेंद्रण उत्तर प्रदेश में है, यानी अनुसूचित जातियों की संख्या देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, और इसके पश्चात पश्चिम बंगाल बिहार राज्य आते हैं, यानी इसके पश्चात पश्चिम बंगाल और बिहार आते हैं. तो नंबर वन जो है सर अनुसूचित जातियों का कौन सा है, उत्तर प्रदेश. देखिए पेपरों में एग्जामों में कॉम्पिटिशनों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति किस राज्य में बसते हैं, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश है, उसके बाद ही जो है पश्चिम बंगाल और बिहार का नंबर आता है. लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम जो है अनुसूचित जातियाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका भी है. देखिए मिजोरम में अनुसूचित जाति के केवल 272 व्यक्ति ही हैं,
यानी मिजोरम में सबसे कम 272 व्यक्ति ही जो है अनुसूचित जातियों में बिलोंग करते हैं, जो प्रतिशत के हिसाब से जो बहुत ही नगण्य है, यानी बहुत ही कम है। केंद्र शासित प्रदेश में जो है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तथा नागालैंड एवं राज्य में जो है अनुसूचित जातियाँ हैं, ठीक है, यह है ही नहीं। देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो निकोबार द्वीप समूह में और नागालैंड में जो है अनुसूचित जातियाँ है ही नहीं। कुछ जनसंख्या में इसके प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक पंजाब में है, जहाँ 28.85% है। देखिए सबसे अधिक जो है यहाँ पर दर्शाया गया है 28.85% है। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रतिशत जो है 24.7% तथा पश्चिम बंगाल में जो है 23.3% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाई गई है। अगर देखा जाए अनुसूचित जातियाँ जो है अधिकतर भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, यानी अनुसूचित जाति किसे कहते हैं, जिनके पास भूमिहीन है, खेतिहर मजदूर हैं, उन्हें जो है अनुसूचित जातियों में रखा जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के पास बहुत कम कृषि भूमि है और ये छोटे मोटी वस्तुओं के जो उत्पादक अथवा कारीगर हैं। कृषिगत कार्यकलापों में जो संबंध होने के कारण इनका सबसे अधिक संकेंद्रक केंद्र के जो है जलोह तथा तटीय मैदान में पाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इसका संकेंद्रण पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों में काफ़ी है। दूसरी तरफ मध्य तथा उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी तथा वनीय इलाकों में, जिनमें जनजातियों की संख्या बहुत बहुत है, में अनुसूचित जातियां बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो इसकी जो है विस्तार किस प्रकार जो है पूरे भारत में है। यदि बात करें यहाँ पर जिला स्तरीय आंकड़ों में विश्लेषण करने पर जो है निम्नलिखित तीन जो है स्पष्ट क्षेत्र दृष्टिगत होते हैं, यानी तीन क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पहला जो है अधिक संकेंद्रण के क्षेत्र, पहला जो है अधिक संकेंद्रण के क्षेत्र यानी अनुसूचित जातियों के संकेंद्रण के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, ये हैं सिंधु गंगा मैदान और जो है पूर्वी तटीय मैदान। सिंधु गंगा मैदान और पूर्वी तटीय मैदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन दोनों ही मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल आपूर्ति तथा बहुत सी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु भी है, और इन सुविधाओं के कारण जो है कृषि का विकास भी हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अधिकांश केंद्र क्षेत्र जो है सिंधु गंगा और जो है आपके पूर्वी तटीय मैदान के क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। बात करें अगर दूसरा पॉइंट, इसमें मध्यम जो है संकेंद्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए मध्यम संकेंद्र के क्षेत्र जो है अधिक संकेंद्र के क्षेत्र के निकटवर्तीय जिलों में जो है अनुसूचित जातियों का संकेंद्र माध्यम है। तो इसमें बात क्लियर है कि अधिक संकेंद्रण यानी जहाँ पर होते हैं वो निकटवर्ती जिलों में अनुसूचित जातियों का संकेंद्र मध्यम है, यानी जो अनुसूचित जाति संकेंद्र क्षेत्रों में जो है ये मध्यम है। मध्यम का मतलब है मिडल और अधिकतम का मतलब समझो हाईएस्ट होती है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तीसरी पॉइंट की तरफ अगर हम देखें तो कहते हैं निम्न संकेंद्र के क्षेत्र, यानी निम्न मतलब बहुत ही कम जो है एससी कोटा जो है लोग रहते हैं, यानी बहुत ही कम क्षेत्र जहां पर एससी कोटा के लोग रहते हैं। तो यह क्षेत्र मध्य विंध्य छोटा नागपुर का भाग, राजस्थान के पश्चिम शुल्क क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत में पहाड़ी क्षेत्र और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के समुद्री तटबंधीय भागों में है, जहाँ पर जो है निम्न संकेंद्र क्षेत्र हैं जहाँ पर एससी कोटा जो है रहते हैं, यानी एससी जो है लोग हैं वो रहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया, और यही बात को अगर हम मैप में समझने की कोशिश करें तो ये और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसके लिए मैप चाहिए। तो चलिए मैप पे की तरफ हम चले और मैप में देखें कि इनका वितरण जो है पूरे भारत में किस प्रकार दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर मैप भी आ गया और मैप में आप देख सकते हो कि भारतीय अनुसूचित जाति जनसंख्या 2001 के जिले के अनुसार जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर कहते हैं दो ही पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, एक तो सबसे अधिक वाली क्षेत्र और एक सबसे कम वाली क्षेत्र। अगर अधिक वाली क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ क्षेत्र राजस्थान के भी, कुछ पंजाब के भी, कुछ हिमाचल के भी, कुछ उत्तर प्रदेश के भी, कुछ बिहार के भी क्षेत्रों में जो है अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है, यानी 25 से अधिक है, और सबसे कम यानी जहां पर होती ही नहीं है अनुसूचित जाति वही क्षेत्र जो है आप देख सकते हो कि यहां पर जम्मू कश्मीर जो है मेन है।
अदर साइड भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही 10 से कम और कम है, तो ये इस बात को नहीं हम इस पर ले सकते हैं। एग्जाम में तो दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो अधिक क्षेत्र या कम क्षेत्र, मिडल वालों को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वितरण जो है आप यहाँ पर बेखूबी देख सकते हो। कहते अगर 10 से कम देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश यानी मिजोरम के साइड आपको नज़र आ जाएगा, और इवन जम्मू कश्मीर के साइड भी ये देखने को जो है बेखूबी मिलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मैप दर्शाया गया है अनुसूचित जाति जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। उसके पश्चात है हमारा अगला पॉइंट अनुसूचित जनजाति यानी ST यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, जो कि एक तरह से उनका जो मूल स्थान देखा जाए तो जंगल ही माने जाते हैं, फॉरेस्ट में ही अपना जीवन ये मैक्सिमम यापन करते हैं। अनुसूचित जनजातियों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें अन्य लोगों से भिन्न पहचान बनाने में सहायक होते हैं। साधारणतः यह जो है एकांत प्रिय जीवन व्यतीत पसंद करते हैं, यानी ये एकांत रहना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र और वन्य जीवन में ही इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, यानी ये एकांत जीवन बिताना पसंद करते हैं। इसलिए ये जो है प्रायः नवाच्छादित एवं पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, और ये जनजाति अत्यंत पुराने धार्मिक धारणाओं का पालन करते हैं, यानी ये जो है धार्मिक तौर से बहुत पुराने हैं, और इन जातियों के अधिकतर समुदाय जो है अशिक्षित है, यानी ये पढ़े लिखे नहीं होते। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लोग जो है अशिक्षित है, इसलिए इनका जो है प्रसारण नहीं होता है, लेकिन भारतीय सरकार ने इनको प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव कोशिश किया गया है। और इन जनजातियों कोई जो है लिपिबद्ध भाषा नहीं है, ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा जो है ये लोग बोलते हैं, यानी इसका जो है इनकी भाषा कोई भी लिपिबद्ध नहीं है। इन जनजातियों के अधिकांश लोग जो है अलौकिक शक्ति एवं धारणाओं में अटूट आस्था रखते हैं, यानी देखा जाए तो ये नेचर पावर को काफ़ी मानते हैं, नेचुरल पावर को काफ़ी मानते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं और उसी का अनुसरण भी करते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति जो है एक तरफ से देखा जाए तो ये जंगलों में रहने वाले हैं और पुराने रीति रिवाज को मानने वालों में ही आते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है यहाँ। अनुसूचित जनजाति का वितरण एवं विस्तार देश में एक सामान्य नहीं है, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि अनुसूचित जनजाति का वितरण एवं विस्तार देश में एक सामान्य नहीं है, और इसका आबादी कहीं धनी है तो कहीं विरल है, यानी कहीं काफ़ी लोग रह रहे हैं या कहीं विरल है ही नहीं। तो इनका जनजाति जो है एक सामान्य वितरण है, सामान्य ने असामान्य वितरण है, ठीक है। और देश में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इनकी आबादी अपेक्षाकृत केंद्रित है, और ये मध्य भारत की जो है पेटी, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भाग आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है इसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय भाग आते हैं। उसके बाद है दक्षिण भारत के क्षेत्र, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के पर्वतीय इलाकों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। तो आप समझ सकते हो कि सारे पार्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हर एक बात जो है ज़रूरी है। उपरोक्त चर्चा तथा भारत के मानचित्र पर दर्शाए गए वितरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की अनुसूचित जनजाति खास क्षेत्र में ही पाई जाती है। अब देखिए इसके मानचित्र आगे आएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे जो हमें पता ये लग जाएगा कि भारत की अनुसूचित जाति खास क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, और मानचित्र में जो वितरण स्पष्ट होगा, ठीक है, जनजाति वंचित पर्वतीय क्षेत्र में भी होगा, और यहाँ कृषि उत्पादकता बहुत ही कम होती है। साथ ही इन क्षेत्रों में प्रायः प्राकृतिक विपदाएँ और विषमताएँ जो घनीभूत होती है, यानी देखा जाए तो इन क्षेत्र में जो है प्राकृतिक विपदाएँ और विषमताएँ जो है काफ़ी आती ही रहती है, और इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास की सीमित संभावनाओं के रहते आर्थिक स्तर भी नीचा ही है। इन क्षेत्रों में यातायात एवं संचार व्यवस्था छिन्न एवं समस्या युक्त ही रहते हैं क्षेत्र भी। इन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संपदा का उचित दोहन भी नहीं हो पाता है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। प्रायः ऐसी धारणा प्रचलित है कि उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ जनजाति निवास करती है। तो जर्नली सी बात है, जनजाति ने साफ जो है इंडियन गवर्नमेंट को बात बता दिया था कि हम जैसे हैं वो ऐसे ही हम जीवन यापन करना पसंद करते हैं, ठीक है, हम जो है
एक जैसा सेटलमेंट रह के नहीं रह सकते। भारतीय सरकार ने सब बहुत संभव कोशिश किया इनको सेटलमेंट करने की, बट ये लोग तैयार नहीं हैं और ये लोग जो है अपना जीवन जो है जंगलों में ही व्यतीत करना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि ये एकांत रहना चाहते हैं। कहते हैं आज भागी भाग भाग वाली दुनिया से ये लोग दूर रहना चाहते हैं। बस एवं गलत धारणाएँ रखते हैं ये इन लोग। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास कम होने का कारण संभवतः साधनों के सीमित होना, क्योंकि उनके पास साधन बहुत ही कम होता है और परिवहन के साधनों का अभाव एवं प्राकृतिक वर्षाओं का पर्यावरण इससे दुरुरूप ही है कि किसी भी प्रकार के आर्थिक विकास का दुष्कर और दुर्विधयुक्त होते हैं। और इसके बावजूद भी अनुसूचित जनजाति ऐसे प्रतिकूल पर्यावरण और प्रतिकूल प्रकोपयुक्त क्षेत्रों को अपना निवास क्षेत्र बनाए हुए हैं, जहाँ पर उनको लिए रहना बहुत ही कठिन और दुष्कर्म कार्य है, लेकिन फिर भी वो नेचर के साथ बने रहते हैं और नेचर में ही मिलके रहना उनको बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो वो शांत रहना चाहते हैं और एकांत रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज देखा जाए तो आज मॉडर्नाइज्ड दुनिया में भागम भाग बहुत है, हर जगह जो है छीन रहे लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, बट ये लोग अपना जीवन जो है शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए जो है ये जो कहते हैं मॉडर्नाइज्ड दुनिया के चकाचौंध में नहीं आना चाहते और सदैव ये जंगल में ही निवास करना पसंद करते हैं। वास्तव में जो है वनवासी जनजाति ऐसे वसावर्ष वक्त नहीं चुनते हैं, इन्हें आधुनिक सभ्यता का प्रसार विस्तार में प्रतिकूल क्षेत्रों में जाने के विवश किया गया है। तो देखिए कहते हैं अगर उनको जंगलों को काट दीजिएगा तो ये कहाँ जाएंगे, इसलिए ये जो है काफ़ी विवश हो गए हैं अपने आप को जंगल से दूर रहने में। देश के आरंभिक आदिवासी निरंतर जो है आक्रमणकारी एवं जो है प्रवासियों के दबाव में जो है नवातुलक आक्रांताओं के युद्ध में हार करता डर कर एकांत एवं जो है विहर स्थानों में चले गए हैं। वर्तमान में पाई जाने वाले अनुसूचित जनजाति वर्षों में चली जा रही है और परंपराओं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए व्यवस्था एवं व्यवहार का ही निर्वाह करते आ रहे हैं। तो ये देखिए कहते हैं ये अपने पूर्वजों के बनाए हुए रूल रेगुलेशन कभी भी ठुकराते नहीं हैं, जैसे रूल रेगुलेशन बने हुए उसी रूल रेगुलेशन पर चलने की कोशिश करते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए अगर हम इसको मैप में अध्ययन करेंगे तो और भी जो है आसान हो जाएगा इनके जो है विस्तार के बारे में जानना, तो इसके लिए मैप की आवश्यकता है। तो चलिए हम देखें मैप जो अनुसूचित जनजाति संख्या 2001 के अंतर्गत होगी। चलिए मैप पर हम कुछ दृश्य डालें। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है भारत अनुसूचित जनजाति संख्या 2001 जिले के अंतर्गत दर्शाया गया है और आपको पता है कि दो ही क्वेश्चन हमेशा महत्वपूर्ण होता है, एक तो जो है नग्न जहाँ पर जनजाति बहुत ही कम है और एक जो है बिल्कुल अधिक है, यानी एक में है नहीं और एक में अधिक है, यही दो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट रहा है और हमेशा रहता ही रहेगा। अगर बात करें हम इधर देखिए दमन दीव साइड अगर देखिएगा तो वहाँ पर जो है जनजातीय जो संख्या दिखाई जा रही नग्न है, यानी वहाँ पर है ही नहीं, और 0 से 10 के बीच में कुछ ही क्षेत्र की दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये काफ़ी विरल क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या इसकी बहुत ही कम है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को अगर हम नज़र डालें तो इसमें जो है आपको जम्मू कश्मीर के साइड ही दिखेगा और मिजोरम के साइड ही दिखेगा, यानी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जंगल अधिक मात्रा में है, इवन कि महाराष्ट्र के साथ गुजरात में भी कुछ क्षेत्र में आपको नज़र आ जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोग इन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ जंगल होते हैं। अगर जहाँ पर इनकी जनसंख्या नहीं है वो भी देख लेते हैं हम, ये में देखिएगा जम्मू कश्मीर साइड ही जो है एक तरफ जनसंख्या अधिक है तो एक क्षेत्र में जो जनसंख्या बिल्कुल है ही नहीं। तो ये मैप भी काफ़ी कुछ बताने के लिए पर्याप्त रहता है, जहाँ हर एक बातों को समझना आसान रहता है, तो ये ज़रूरी था समझ के लिए। चलिए देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। उसके पश्चात आता है जिला स्तरीय प्रतिरूप। देखिए जिला स्तर पर इनका प्रतिरूप क्या होती है। अनुसूचित जातियों के सामान्य जिला स्तर पर इसके वितरण का प्रारूप 3 स्तरों में पाया जाता है, यानी 3 स्तर है इसके। एक तो होती है जनजातीय का उच्च स्तरीय संकेंद्रण, यानी जनजातियों का उच्च स्तरीय संकेंद्रक। दूसरा जो होता है मध्यम संकेंद्रक तथा तीसरा जो होता है कम संकेंद्रण का क्षेत्र। तो ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। यहाँ पर पहला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उच्च जो है स्तरीय संकेंद्रक क्षेत्र, यानी उच्च स्तरीय संकेंद्रक क्षेत्र क्या है। कहते देश के कुल जो है 40 जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति प्रबल एवं प्रधान रूप से पाई जाती है, यानी 40 जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति प्रबल एवं प्रधान रूप में पाया जाता है, और इन 40 जिले में से प्रत्येक जिलों में जनजातियों की संख्या का अनुपात
कुल जनसंख्या की तुलना में जो है 75% है। तो आप समझ सकते हो कि 40 जिलों में प्रत्येक जिलों में जनजाति संख्या का अनुपात कुल जनसंख्या की तुलना में 75% है, जो काफ़ी है। और कहते हैं 98% तक पाया भी जाता है। और इसमें से 8 जिले मिजोरम में, नागालैंड एवं मेघालय राज्य में, प्रत्येक में 7 जिले और 6 जिले अरुणाचल प्रदेश में, तथा 5 जिला जो है मणिपुर में हैं, और 7 जिले जो है 4 राज्य हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। मिजोरम राज्य के जो है छिप जिले में देश की सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों का संकेंद्रण जो है 98.09% पाया जाता है। तो देखिए, ये जो है UPSC एग्ज़ाम के अंतर्गत या SSC या कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, उसमें ये बात पूछ ली जाती है कि सबसे अधिक जनजातियों कहाँ पर, किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि मिजोरम राज्य के सिरछिप जिले में देश की सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों का संकेंद्रक यानी 98.09% पाया जाता है। इसके बाद मेघालय राज्य की पश्चिमी खासी पर्वतीय जिला में जो है 98.02% मिलता है। और ये सारे क्षेत्र जो है जंगली क्षेत्र है, इसलिए जनसंख्या जो है इनमें काफ़ी देखने को मिल जा रहा है। उसके पश्चात है मध्यम स्तरीय संकेंद्रक के क्षेत्र। देखिए, इसमें जो है इन क्षेत्रों में जनजातियों की संख्या जो है 25% से 75% के बीच में पाई जाती है। और यह क्षेत्र देश के 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। इस वर्ग में आने वाले जो है 85 जिले हैं, यानी टोटल देखा जाए तो इसमें 85 जिले जो है महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय विस्तार के अनुसार बड़ी आबादी वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं, और उड़ीसा जो है 14 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं, झारखंड के 8 जिले हैं, और अरुणाचल प्रदेश के 7 जिले हैं, तथा गुजरात के 7 जिले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उसके पश्चात आता है निम्न स्तरीय संकेंद्र के क्षेत्र, यानी निम्न स्तरीय संकेंद्रण के क्षेत्र। कहते हैं इस क्षेत्र में जनजातियों का जो है 5% से 25% के बीच में ही होते हैं। और इतने जो है प्रतिशत आबादी की सीमा वाले 140 जिले हैं, यानी इतना जो है परसेंटेज के लिए जो है 40 जिलों को सम्मिलित किया गया है। और यह देश का 18 राज्य जो है संघीय प्रदेश में है। स्थानीय रूप से ऐसी संरचना वाले 18 जिले जो है मध्य प्रदेश में ही हैं, और इसकी संख्या महाराष्ट्र में 17 जिले हैं, राजस्थान में 17 जिले जो है, कर्नाटक में 14 जिले, असम में 13 जिले, और आंध्र प्रदेश में जो है 10 जिले हैं, पश्चिम बंगाल में 10 जिले, उड़ीसा में जो है 10 जिले, झारखंड में 8 जिले, और जम्मू एवं कश्मीर में जो है 9 जिले, तथा छत्तीसगढ़ में 5 जिले हैं। शेष बिखरे हुए जिनकी संख्या गुजरात में 3 जिले, सिक्किम में 3 जिले, उत्तराखंड में 2 जिले, तथा मणिपुर और केरल, दमन एवं दीप में, बिहार में जो है 1-1 जिले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजातियों की जो है बिखरापन है, विस्तार है, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। और आगे जो होगा हमारा लिटरेसी यानी जो है साक्षरता दर, तो वो आगे वाला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है। तो आप इस तरह बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो यही एक तरीका है हेल्प करने का, और वो कुछ भी नहीं बहुत खास है कि YouTube से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है बच्चे तक पहुंचा जा सकता है। तो आप जो है हेल्प कीजिए, जितना हो सके हेल्प करने की आवश्यकता है। ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर आपको त्रिपान स्टडी सेंटर पसंद आता है, अगर बाद में अगर यूट्यूब पर रिसर्च करते हो कोई भी टॉपिक, तो शायद दूर दूर तक त्रिपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लोगे आप तो आपके मोबाइल में ही चैनल सेव हो जाएगा। और जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 8th क्लास से MA क्लास के बच्चों के लिए हर एक वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, चाहे आप सिलेबस के अंतर्गत देखो, टॉपिक के अंतर्गत देखो, या आप क्लास के अंतर्गत देखो, सभी का जो है प्रावधान जो है प्लेलिस्ट में बनी हुई है, तो वहाँ से आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो, तो कॉमेंट अवश्य करो।